जय माता दी। फ्री शुल्क मेहंदी भी लगाई जा रही है यहाँ पे नवरात्रों के दिनों में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलिंग डेज वॉइस में, और नवरात्रि की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज हम आए हैं झंडे वाला मंदिर, तो अब हम आपको बताएंगे ये कब ओपन होता है, नवरात्रि की जितनी भी यहाँ पे इन्होंने व्यवस्थाएं की गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे, इस मेले के बारे में भी आपको दिखाएंगे। चलिए जो कि इंडिया की कैपिटल है, वैसे यहाँ पर घूमने की काफी जगह है, पर हम आज आपको फेमस मंदिरों में से एक मंदिर झंडे वाला मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ अपने व्हीकल और बस से भी पहुंचा जा सकता है, पर हमने इस बार मेट्रो को चूज किया है क्योंकि ये थोड़ा इजी और आसान तरीका है यहाँ पहुंचने का। तो दिल्ली में आप किसी भी मेट्रो से जाएंगे तो ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ लीजिए, तो आप सीधा झंडे वाला मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाएंगे। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन में ही आपको इस तरह का साइन बोर्ड दिख जाएगा, तो आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे चलते रहिए। और ये जो गेट है आपको यहीं से अंदर आना है, और अंदर आपको ये झंडे वाला मंदिर का बोर्ड भी दिख जाएगा। यहीं से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंदिर आता है। इसी रास्ते में ई रिक्शा वाले भी मिल जाते हैं, पर आज हमें कोई मिला नहीं। हो सकता है नवरात्रि की भीड़ की वजह से यहाँ पर इनको मना किया गया हो। अब हमें सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन। वैसे यहाँ से भी एंट्री थी, पर नवरात्रि की वजह से यहाँ पे जो मंदिर के सेवा कर्मी है उनकी ही एंट्री हो रही थी, जिसके लिए कोई QR कोड स्कैन हो रहा था एंट्री के लिए। इसी गेट के सामने एक बैनर में मंदिर जाने का एरो डायरेक्शन दिया हुआ था, तो हम भी उसी तरफ चल पड़े। ये आपको पहला जोड़ा घर मिल जाएगा, तो आप चाहे यहाँ अपने शूज रख सकते हैं, वरना एक और जोड़ा घर आगे मिल जाएगा, तो हमने भी आगे रखने का प्लान किया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो उन्हें भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो ये एंट्री गेट है, और इस स्टेयर से नीचे उतरना है, सामने ही आपको मंदिर मिलेगा। यहाँ पे जोड़ा घर है, यहाँ पे जूते रख सकते हैं आप। मंदिर में आपको फ्री पानी पीने की सुविधा जगह जगह बने हुए मिल जाएंगे, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु को इस गर्मी में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। माता के मंदिर में आए हुए हैं और पूरा ही श्रद्धा भाव का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, काफी अच्छा क्राउड है यहाँ पर, और बस जय माता दी बोलते जाइए और चलते जाइए। और नवरात्रों के टाइम में हम काफ़ी सारे मंदिर चूज कर सकते थे, हमने चूज किया है झंडे वाला मंदिर, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे, सारी स्टोरी भी बताएंगे झंडे वाले मंदिर के। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको ग्रिल लगी हुई मिलेगी, और इसी में आपको लाइन लगा के आगे बढ़ना है, जो कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट लगा। इससे भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री मेहंदी की सेवा भी दी जा रही है। यहाँ से लाइन स्टॉप हो जाती है और आगे आपको भीड़ ज्यादा दिख रही होगी। काफी अच्छा बना दिया गया है, सारे आराम से जा सकते हैं, काफी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है झंडे वाला मंदिर। तो फाइनली हम मंदिर के मेन गेट पहुंच गए हैं, और मंदिर तक जाने के लिए स्टेयर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिससे श्रद्धालु की भीड़ को आराम से कंट्रोल करके हर एक भक्त को माता के दर्शन करवा सके। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ आकर जिसने भी जो कुछ मांगा उसे जरूर मिला है। माँ कभी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, लोगों की सभी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, खास तौर से नवरात्र में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, नवरात्रि के अवसर पर माता के 9 रूपों को यहाँ दिखाया गया है। इन्हीं 9 देवियों की नवरात्रि में पूजा होती है। मंदिर को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। इस बार येलो थीम को शायद चूज किया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मन को लुभाने वाला लग रहा था।
मंदिर की ये गुफा काफी टाइम से बंद रखी हुई है, मतलब जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है। माता की जो ओरिजिनल मूर्ति है जो खुदाई के वक्त मिली थी उसको इसी गुफा में रखी हुई है, जिसके दर्शन आप डिजिटल डिस्प्ले में कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था भी यहाँ पर करी गई है। और ये है श्री पत्री भगत जी और उनके पोते श्री प्रेम जी, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हम आगे आपको बताएंगे। दोस्तों आपको अब मंदिर की टाइमिंग बता देते हैं। तो नॉर्मल दिनों में ये मंदिर डेली सुबह 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है, और इसमें जो आरती की टाइमिंग्स है वो सुबह के 5:30 बजे एक आरती होती है, 9 बजे होती है, और इवनिंग में 7:30 बजे आरती होती है। उसके अलावा मंदिर दिन में 1 बजे से 4 बजे क्लोज किया जाता है, और नवरात्रे में ये लगभग 24 घंटे मंदिर खुला रहता है, और बीच बीच में मंदिर की सफाई के लिए आधे घंटे के लिए मंदिर को ये लोग क्लोज कर देते हैं। झंडे वाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी से है। आज जिस जगह पर मंदिर बना है उस समय यहाँ पर अरावली पर्वत संग्रह की हरी भरी पहाड़ियाँ हुआ करती थी। जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो इस अवसर पर मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया था, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण कालांतर में यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से फेमस हो गया। हमें ज़्यादा क्राउड नहीं मिला तो हमने 10 से 15 मिनट में पूरे माता जी के दर्शन कर लिए। माता का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। इस तरह आपको प्रसाद मिलेगा यहाँ पे झंडे वाले मंदिर में। जय माता दी। शायद कोरोना महामारी की वजह से यहाँ भंडारा की सेवा बंद है, तो आपको प्रसाद के रूप में ही आप देख सकते हो आपको वेज बिरयानी मिल जाएगी, वो भी अचार के साथ, और ये प्रसाद हर वक्त चेंज होता रहता है। इस तरीके से राइस मिलेगा आपको, वेजिटेबल राइस प्रसाद के तौर पे दिया जा रहा है, पैकेजिंग के साथ। फ्री शुल्क मेहंदी भी लगाई जा रही है यहाँ पे नवरात्रों के दिनों में। दोस्तों इस झंडे वाले की भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो श्री भगत जी दास जी थे, यहाँ पे आया करते थे, ये करोल बाग में स्थित है बेसिकली, अरावली की पहाड़ियाँ हुआ करती थी, लोग घूमने आया करते थे पुरानी दिल्ली के लोग। तो उस टाइम श्री भगत जो दास जी थे वो भी यहाँ पे आके अपना यहाँ पे तपस्या करते थे, यहाँ पे लीन होते थे। उनके स्वप्न में आया था एक दिन कि माता आई थी, उन्होंने उनको ये एहसास हुआ कि नीचे कुछ है, तो यहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीदी गई और यहाँ पे खुदाई की गई। तो खुदाई के वक्त जब वो मूर्ति मिली तो उस टाइम उनके हाथ खंडित हो गए, टूट गए, चांदी के हाथ लगाए गए थे, तो सुनने में आता है जो स्टोरी है उसके हिसाब से, और उसको फिर स्थापित किया है। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बताया जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। ये एक पहला मंदिर है कैसा पूरे ऑल इंडिया में जिसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। इस मंदिर के बाहर आपको इस तरह से मार्केट सजी हुई मिल जाएगी। सुशील ठाकुर शॉप नंबर 124 में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्नैक्स, व्रत वाली थाली, कचौड़ी और भी स्नैक्स। बहुत ही मशहूर शॉप है यहाँ पे झंडे वाला मंदिर। ब्रेड पकौड़े मिल जाएंगे आपको, कचौड़ी मिल जाएगी और आलू मिल जाएंगे क्रिस्पी वाले आपको। किसके लिए ले जा रहे हो जी? आपको इस तरीके से भी मिल जाएंगे छोटे से झंडे वाला मंदिर। अजय जी कुछ खरीद रहे हो? चार्ट ले रहा हूँ भाई, 40 रुपए का चार्ट है। 40 रुपए का नहीं खरीदना फिर? यहाँ आपको हर तरह की छोटी मोटी शॉप दिख जाएंगी, तो खाने पीने की या फिर प्रसाद की या फिर भगवान के लॉकेट्स की, तो आपका मन करे तो शॉपिंग कर लेना। तो दोस्तों यहीं तक था आज का सफर हमारा, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग प्लेस में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना, और कमेंट करके आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बाय बाय, सी यू।